ये दिल भी एक अजीब चीज़ है, कभी इस पर अटैक आता है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक दो तरह के होते हैं, एक वो जिसके आते ही आदमी सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागता है, भागता क्या है, ले जाया जाता है, और दूसरा हार्ट अटैक वो जो दिल पे आता है। कहने का मतलब है कि जब कोई किसी को चाहने लगता है तो दिल में एक अजीब सी कसक उठती है। अब हमारे अभिजीत साहब को ले लीजिए, इनका आजकल काम में जी नहीं लगता। एसीपी साहब इज वेरी शार्प, वो फौरन समझ गए। वो आजकल अभिजीत को कुछ नहीं बोलते हैं, आपको तो मालूम ही होगा क्यों। ये अभिजीत के घर में आजकल कोई रहने लगा है। अभिजीत को भी धक्का लगा जब उसने श्रुति के हस्बैंड को देखा, वो भी जिंदा, वो मरा नहीं था। लो, अभिजीत के चक्कर में केस की बात करना तो भूल ही गया। इस केस में भी दिल की बात है। आखिर तक समझ में नहीं आया कि खून क्यों किया, किसने किया, और जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। जब खूनी पकड़े गए तो हम सब दंग रह गए। बहुत ड्रिंक हो गई आर्यन, अब इसके बाद और नहीं। हाँ ओके, बस ये आखिरी। यू नो व्हाट, देखो तो सही, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्या पार्टी दी है तुमने, वाव। करेंगे ही, आखिर सारा अरेंजमेंट किया किसने है, मैंने ही किया है, तो करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। हाँ भाई हाँ, तुम्हारे बिना तो एक पता भी नहीं हिलता। कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है माया, आज तो तुम एकदम छम छमा छम लग रही हो। रहने दे रहने दे। बस बस, ज्यादा मत बोल, टेढ़ी हो जाएगी वो। हे, तुझसे ज्यादा नहीं लग रही हूँ। तू तो आज भी हमेशा की तरह सब पे कहर ढारी है। भैया आर्यन, मुझे लग रहा है आज भी तुम्हें कुछ करोड़ों का फायदा हुआ है। हमें भी तो बताओ तुम्हारे इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है। सीक्रेट? तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ या कुछ और? सीक्रेट ये है कि मेरी खूबसूरत बीवी माया, शी इज वेरी लकी फॉर मी, यू नो। अच्छा शीतल, कुछ लोगी? देखो हम जा रहे हैं, ड्रिंक नहीं करना, ओके? हाँ, नहीं नहीं, लास्ट। सुन, तू एक काम कर, छोटा सा पैक बना ला मेरे लिए। हेलो माया। हाय विकी। कहाँ जा रहे हो? चलो डांस करते हैं। विकी, ये क्या कर रहे हो तुम? डांस। विकी, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। डांस? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, डांस करते ना माया। छोड़ सर। ए, आर्यन, क्या हुआ यार? हाथ ही तो लगाया था सिर्फ। मैंने सोचा तुम तो डांस करते नहीं, तो मैं ही डांस कर लूं। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हिम्मत कैसे हुई? आर्यन, विकी, मेरी भाभी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए तुझे मालूम नहीं है क्या? मेरा दोस्त होके तूने ऐसी हरकत की? ए छोड़ यार, इसकी भाभी कैसी भाभी, सारी दुनिया को मालूम है आर्यन का बिजनेस किसकी वजह से चलता है। आर्यन छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, उसने पी रखी है, उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन छोड़ दे। सिक्योरिटी, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। जान से मार डालूंगा इसे, ये जानता नहीं मैं कौन। मुझे माफ कर दो श्रुति, मुझे माफ कर दो। मुझे जुए की बहुत बुरी आदत लग गई थी, और जुए के चक्कर में मैंने एक आदमी से बहुत सारा पैसा उधार लिया था। वो पैसा मैं उसे लौटा नहीं पाया। वो फोन पर मुझे बार बार धमकी दे रहा था,
अगर मैंने उसका पैसा नहीं दिया तो वो तुम्हें और बिनी को जान से मार देगा। जी आशुतु जी, आप दोनों की जान बचाने के लिए वीरेन ने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था। हाँ, जब ये पता चला कि तुम दोनों यहां मुंबई में हो, मैं तुम लोगों को ढूंढता हुआ यहां चला आया। वीरेन, जो हो गया सो हो गया, जाने दो, चलो घर चलें। नहीं नहीं श्रुति, हम कहीं नहीं जा सकते। वो आदमी अब भी मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अभिजीत जी, एक आखिरी बार मदद कर दीजिए। मैं जानती हूं आपके आपके बहुत एहसान हैं हम पर, एक एक आखिरी एहसान कर दीजिए प्लीज। मेरे पति की जान बचा लीजिए प्लीज। कैसी बात कर रही हैं आप, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। और जहां तक वीरेन की जान का सवाल है, आपके पति होने के साथ साथ वो मेरा दोस्त भी है। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। हाँ दया, खून हो गया। ठीक है, आता हूं। वीरेन तुम यहीं रुको, मुझे अभी जाना होगा, एक खून हो गया है। बॉडी बिल्कुल आराम से टिकी हुई है व्हील पे सर, ये पीछे ही घाव है, लगता है यहां बैठा होगा, यहां पीछे से किसी ने वार किया इस पे। घाव काफी गहरा है अभिजीत। अभिजीत सर, तुम जरा पीछे बैठो, यहां से इसे मारा होगा किसी ने, ऐसे जोर से ऊपर हाथ उठाकर पूरे फोर्स से इसे मारा है, तभी इतना गहरा घाव बन गया है। देखो जरा अपना हाथ ऊपर करके। नहीं सर, इतना फोर्स नहीं आएगा सर। इसका मतलब है इसे किसी ने बाहरी मारकर घसीट के लाकर इस गाड़ी में बिठाया है। सर, इसके कपड़ों पे धूल मिट्टी तो है नहीं, इसका मतलब है किसी ने इसे घसीटा नहीं है, किसी ने उसे उठा के गाड़ी में लाया होगा। लगता है दो तीन आदमी होंगे सर, काफी प्लानिंग से खून किया गया इसका। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी, प्यार व्यार का मामला होगा सर, या फिर प्रॉपर्टी वॉपर्टी का चक्कर। इसे देख के लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ सर। मेरे ख्याल से दो घंटे भी नहीं हुए सर। इसके कपड़े गीले क्यों हैं? आज बारिश तो हुई नहीं, तो इसके कपड़े गीले कैसे? इसके पॉकेट में कुछ भी नहीं है सर। कमाल है सर, मारने वाले के पास इतना टाइम था कि पॉकेट में से सब कुछ निकाल लिया। वरना लोग ऐसा काम करके फटाफट भाग जाते हैं। हाँ, और एक बात अभिजीत, शक्ल और कपड़ों से तो ये किसी अमीर खानदान का लगता है। एक बात समझ में नहीं आ रही, इसके कपड़े गीले क्यों हैं? सर ये देखे, सर ब्रेसलेट। उनका ब्रेसलेट, कमाल है, कोनी सब कुछ ले गया और इतना महंगा सोने का ब्रेसलेट छोड़ गया, उसे दिखा कैसे नहीं? दिखा कैसे नहीं होगा, सामने ही पड़ा था, किसी बेवकूफ को भी दिख जाता। और अगर उन लोगों ने इस बॉडी को गाड़ी में उठा के लाके रखा है तो ब्रेसलेट वो सामने ही था, आराम से दिख जाना चाहिए था।
जानबूझ के छोड़ा है, मालूम है किसके लिए? किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों सर, मैं इस आदमी को जानता तक नहीं हूँ। इसीलिए सर, आप मुझे इस चक्कर में मत फंसाइए सर। फ्रेडरिक्स, तुम्हारे लिए मतलब हमारे लिए, सीआईडी वालों के लिए। सर ये देखिए चाबी पे क्या लगा हुआ है। पहले पार्किंग का कार्ड है सर, जीके क्लब, आज रात का ही है, 4 घंटे पहले का। जीके क्लब? इसका मतलब ये आदमी जीके क्लब में से आया होगा। जीके क्लब चलते हैं और पता करते हैं ये अमीर आदमी है कौन, और कौन है जो इसे मारना चाहता था। इस विक्की को किसने बुलाया था? शर्मन का दोस्त है। मैंने सुना है कि वो हर पार्टी में इसी तरीके से बिहेव करता है। हिम्मत तो देखो उसकी, हाथी पकड़ लिया, आर्यन जैसे आदमी को गुस्सा दिला दिया। तुम्हें मालूम नहीं है आर्यन क्या क्या कर सकता है। आर्यन के साथ रहना खतरे से खाली नहीं। स्टॉप दिलजीत, हम लोग सीआईडी से, जिनकी ये पार्टी है वो कहाँ है? मैं उनका दोस्त हूँ साहिल, ये पार्टी आर्यन ने दी है। आर्यन का? वो तो कब के घर चले गए? घर चले गए? ये पार्टी उनकी है और वो खुद इतने जल्दी घर चले गए? दरअसल सर उनका झगड़ा हो गया था तो उनका मूड खराब हो गया था। झगड़ा? कैसा झगड़ा? हाँ सर, एक्चुअली विकी ने आर्यन की वाइफ माया का हाथ पकड़ लिया था इसलिए। ओके, देख जरा वो फोटो दिखाने ने। ये तो विकी है। क्या विकी? सर आर्यन का इसी से झगड़ा हुआ था, और ये क्या हो गया विकी? थोड़ी देर पहले तो वो यही था सर। इसका खून हुआ है। खून? ये आर्यन कहाँ मिलेगा? जरा उनका टेलीफोन नंबर और एड्रेस दीजिए। आर्यन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है भैया? वो तुम चुप रहो शर्मन, तुम्हारे दोस्तों को इतनी सी बात की भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे भी बात की जाती है। अब शर्मन को क्यों डांट रहे हैं? देखो इसमें इसकी क्या गलती है, इसे क्या पता था कि विकी ऐसी वैसी गलती कर बैठेगा। भैया शर्मन को सच में कुछ मालूम नहीं था। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ये विकी से कभी नहीं बात करेगा। सॉरी भैया। इस वक्त भला कौन आ सकता है? कहिए। हम लोग सीआईडी से। क्या मिस्टर आर्यन घर पर है? हाँ जी भैया घर पर है, आइए। भैया ये सीआईडी से हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर आर्यन, जीके क्लब में आपने ही पार्टी दी थी? जी हाँ, वो मेरी बिजनेस पार्टी थी, अभी हम सब वहीं से आ रहे हैं। इस आदमी को पहचानते हो? ये जी जी, ये विकी है, हमारे साथ अभी पार्टी में था। किसी ने इसका खून कर दिया। ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी हमारे साथ पार्टी में था। और इसका खून भी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। आपका और विकी का झगड़ा हुआ था पार्टी में? जी जी हाँ हुआ था, उसने मेरी बीवी माया के साथ बदतमीजी की थी। और फिर आपने उसे जान से मार देने की धमकी दी थी, क्यों? जी धमकी, वो तो ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। और उसी वक्त विकी भी पार्टी छोड़ के चला गया था। लेकिन हम तो पार्टी से सीधा घर ही आए हैं, और मैं और आर्यन तो साथ ही थे। शर्मन? मैं और शर्मन दोनों दूसरी गाड़ी से साथ में ही आए हैं। ये ब्रेसलेट किसका है? ब्रेसलेट? ये तो आर्यन का है, दो तीन दिनों से मिल नहीं रहा था, कहीं खो गया था। लेकिन आपके पास कहाँ से आया ये ब्रेसलेट? हमें विकी के बॉडी के पास मिला। ये कैसे हो सकता है? जरूर मुझे फंसाने की कोई चाल है, किसी ने चुरा के वहाँ डाल दिया है। आपका ही ब्रेसलेट क्यों चुराया मिस्टर आर्यन? कुछ दिनों पहले आर्यन का ब्रेसलेट गायब होता है। जब माया और आर्यन ब्रेसलेट को घर में ढूंढती है तो नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तब ये ब्रेसलेट कहां मिलता है? विक्की की लाश के पास। विक्की की लाश के पास? कहां? सर विक्की की लाश के पास, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ब्रेसलेट विक्की की लाश के पास पहुंचा कैसे? एग्जैक्टली, ये ब्रेसलेट विक्की के लाश के पास पहुंचा कैसे? अब इस ब्रेसलेट को वहां पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। एक, या तो ये ब्रेसलेट हवा में से उड़कर विक्की की लाश के पास पहुंचा,
दूसरा, विक्की ने मरने से पहले अपनी जेब से ब्रेसलेट निकाला, अपनी लाश के पास रख दिया, सॉरी, अपने पास रख दिया और वो मर गया। तीसरा, विक्की के खूनी ने विक्की को मारने के बाद ये ब्रेसलेट वहाँ पे रख दिया। यही हुआ होगा सर। अगर आजकल ब्रेसलेट उड़ के लाश के पास जाने लगे तो कुछ भी हो सकता है। आजकल तो दया कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। दया, ब्रेसलेट जानबूझ कर रखा गया था। हाँ सर, ताकि सब आर्यन का ही नाम ले कि आर्यन ने खून किया है। अब पार्टी में धमकी तो दी थी आर्यन ने। सर, इसी बात का किसी ने फायदा उठाया होगा। सोचा आर्यन ने अभी तो धमकी दी है, तो शायद मार भी दिया होगा। इसका मतलब है ये काम सिर्फ उसी आदमी का हो सकता है जिसका आर्यन के घर से गहरा संबंध है। सर, आर्यन और श्रवण दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों का बहुत बड़ा बिजनेस है। एक की मौत से दूसरे को बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, मुझे लगता है विक्की का भी झगड़ा किसी ने जानबूझ कर करवाया होगा। हेलो, एसीबी प्रद्युमन या? क्या कहानी के हीरो का एक्सीडेंट? देखो, कार्डियल से डॉक्टर विश्वास की रिपोर्ट आ जाए तो ऑफिस में लेकर आ जाना। डॉक्टर साहब, आर्यन ठीक तो है ना? देखिए माया जी, अभी उनकी हालत बहुत खराब है। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनका। बच तो जाएगा ना आर्यन? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब प्लीज, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? देखिए माया जी, अभी तो वो बेहोश है, क्या मिलेंगे आप उनसे? मैं आर्यन की वाइफ हूँ, उनके पास बैठ सकती हूँ, उनका हाथ पकड़ सकती हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये ICU है, यहाँ पर ऐसा करना मना है। डॉक्टर साहब, मैं एसीबी प्रद्युमन, CID से। हेलो सर। आर्यन कैसा है? सर, अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द होश में आ जाए। जिंदा बचेगा ना? यही सवाल अभी इन्होंने पूछा था। समझ में नहीं आ रहा कि यही बात क्यों पूछी जा रही है। घर वाले दुआ मांगते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि प्लीज इन्हें बचा लीजिए, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वो बच तो जाएगा ना? देखिए, मैंने तो इसलिए पूछा कि मैं आर्यन से कुछ पूछना चाहता था। अब इन्होंने क्यों पूछा ये तो यही जानती है। आप लोगों का मतलब है कि मैं आर्यन के मरने की दुआ मांग रही हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे भी साहब कभी कभी अनजाने में कुछ बोल जाती है। देखिए, मैं अनजाने में नहीं बोल रहा हूँ। ये मजाक भी करते हैं जब मामला कभी ज्यादा सीरियस होता है तो। अभिजीत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए माया जी, ACP साहब हर एक पे शक करते हैं और आप पे भी शक कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों में से किसी की बुरी नजर लग गई है, जो आर्यन का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया। ये बुरी नजर वगैरह कुछ नहीं है, समझिया? आपके पार्टी में से एक आदमी निकला और उसका खून हो गया, और अब आर्यन का एक्सीडेंट हुआ है, ये कोई और ही चक्कर है, समझी? माया जी, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? घर से निकले थे ऑफिस के लिए, फिर किसी का फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। वाह, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ ये। ये आर्यन तो बाल बाल बच गया। देखो जरा, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, देखो ये एक्सीडेंट हुआ क्यों है। ये ब्रेक फ्लूइड बॉक्स एकदम खाली है सर, लगता है इसी वजह से एक्सीडेंट हुई है, ब्रेक फेल हो गई होगी। सर, ब्रेक की वायर कटी हुई है सर। यही हुआ है सर, ब्रेक फेल हुआ है। जरूर किसी ने इसके ब्रेक्स के साथ कुछ गड़बड़ की है। मतलब कोई तो है जो आर्यन को भी मारने की कोशिश कर रहा है। सर, हाँ, मुजरिम एक सुराग छोड़ गया सर। क्या? ये देखिए, फिंगरप्रिंट्स। ये उंगलियों के निशान उसी के हैं सर जिसने ब्रेक्स फेल किया। दे, इस फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देखो। देखो ये फिंगरप्रिंट्स है किसके। हम आर्यन के घर चलते हैं, पता लगाते हैं कौन है जो आर्यन को मारने की कोशिश कर रहा है। गौरव जी, अभी आप सबके सामने डिवोर्स की बात मत कीजिएगा। कोर्ट में कोई भी डिवोर्स का पेपर मत डालिए। आर्यन हॉस्पिटल में है,
अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, एक बार आर्यन ठीक हो जाए उसके बाद हम उससे डिवोर्स की बात करेंगे। फिलहाल उसे धक्का लग सकता है। ठीक है माया जी, लेकिन आपको जब भी कोर्ट में पेपर्स फाइल करने हो मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिएगा, क्योंकि क्या अक्सर इन सब चीजों में वक्त लग जाता है। CID? ओके मिस्टर गौरव, अभी आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? ठीक है माया जी। जी माया जी, अभी अभी मेरे कानों में डिवोर्स डिवोर्स जैसी कुछ आवाज सुनाई पड़ी, क्या किस पेपर्स के बारे में वकील साहब बात कर रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माया जी, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं, बताइए बात क्या है? नहीं सर, कोई बात नहीं है, बस यूं ही। अगर कुछ बात नहीं है तो पसीना क्यों आ रहा है आपको? वो माया जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बताइए बात क्या है? मैडम माया, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। सर, मैंने वकील साहब को अभी तक पकड़ के रखा है, छोड़ूंगा नहीं आपको। फ्रेडरिक्स, क्या कर रहे हो, छोड़ो इन्हें। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसलिए आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा, अब क्या सुन रखा है? यही कि आप बहुत जोकर टाइप के आदमी हैं। हाँ कहिए सर। तो वकील साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं बताती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं, सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। इट्स ओके, इस बहाने आपके इस ऑफिसर से मुलाकात हो गई, थैंक यू। हाँ माया जी, बताइए। मैं आर्यन को डिवोर्स देना चाहती हूँ। क्यों, किस लिए? क्योंकि आर्यन का चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा है। अच्छा माया जी, एक बात बताइए, श्रमण और आर्यन के बीच रिश्ता कैसा है? उन दोनों में कुछ अनबन रहती है, उन दोनों में कुछ भी सही नहीं है, वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों सौतेले भाई है। क्या? तभी हो सकता है आर्यन शर्मन को फंसाने के लिए सब कुछ कर रहा हो, ताकि सारा बिजनेस उसे मिल जाए। नहीं, आर्यन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये सब शर्मन का किया धरा है। इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि इस सारी लड़ाई की शुरुआत शर्मन ने की थी। आर्यन तो हमेशा उसके साथ बहुत अच्छी तरह से रहते थे, ये सब किया धरा उसी का है। आप बता सकती हैं कि इस वक्त शमन कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। का चांस ही नहीं था। हाथ देखा कावेरी? यस सर, बिल्कुल काला हो गया, लगता है किसी ने हाथ जला दिया हो। मैनेजर साहब, आपको मालूम है ना इस आदमी की मौत बिजली के झटके लगने से हुई है। सर, हमें तो बस अचानक इनके चीखने की आवाज सुनाई दी और जब तक हम भाग के यहाँ पहुंचे इनकी मौत हो चुकी। हमें ये दो क्लिप्स मिले हैं जो बिजली के मीटर बॉक्स से जुड़े हैं। सबसे पहले हमने डंडे से इस वायर को बाहर निकाला, फिर बॉडी को अलग किया जो कि रेलिंग से चिपकी हुई थी। सर, मुझे लगता है खूनी को मालूम था कि शर्मन यहाँ स्विमिंग के लिए आ रहे हैं। मैनेजर साहब, जब आप यहाँ पहुँचे तब आपने यहाँ पूल के आसपास किसी को घूमते हुए देखा? मैंने किसी को नहीं देखा। आपके क्लब में एक आदमी का खून हो जाता है और आप कहते हैं आपने किसी को नहीं देखा? शर्मन के पानी में कूदने से थोड़ी देर पहले किसी ने वायर डाला होगा, वो आदमी क्या उड़ के गायब हो गया? पर ऐसे कैसे हो सकता है कि
किसी ने उस आदमी को नहीं देखा जिसने ये वायर यहाँ लगाया। सर एक्चुअली जिस समय श्रवण यहाँ पे स्विमिंग करने को आया है सारा स्टाफ लंच कर रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई था ही नहीं। सर हमें आर्यन के घर जाकर इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये किया है उसे अच्छे से मालूम था कि श्रवण यहाँ स्विमिंग के लिए आ रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। हाँ किसी ने ये प्लानिंग पहले से ही की है खून करने की। वो लोग बहुत खतरनाक है अभिजीत, कुछ भी कर सकते हैं। डरो मत, हम लोग CID से हैं, ऐसे डरने लगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। फिर भी ये लोग जान से मारने से भी नहीं डरते। ऐसे बहुत देखे हमने, तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए था जुए की आदत लगाने से पहले। फैमिली बर्बाद हो रही है अलग, तुम मारे मारे घूम रहे हो अलग। क्या करूं यार, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। श्रुति का हाल देखा है, है? बच्चे की फिक्र नहीं है? कंट्रोल नहीं होता भाई, बेचारी काम ढूंढ रही है और साहब यहाँ छुप के बैठे हुए हैं। हाँ दे। ये देखो बड़ी मुश्किल से एक फोटो ली है, एक दो लोगों को शक भी हो गया है। यही है वो? यही है वो आदमी। मैं फिर से कह रहा हूँ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बहुत खतरनाक है ये लोग। रेडी दे? मैं तैयार हूँ। ये लोग गोली भी चला सकते हैं। कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से सीधे घर जाओ। ओके रेडी, इनको घर छोड़ दो। अरे सर आप लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हो और मैं भाग जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है सर। फ्रेडी फिक्र मत करो अभिजीत, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है सीधे घर जाना और कहीं रुकना नहीं। ओके टेक केयर। ओके थैंक यू। चट्टी तक उतार लो इसकी, नंगा करके भेजो इसे यहां से। अगर कल तक मेरा 3 लाख रुपए लेकर नहीं आया तेरे घर आऊंगा और तेरी फैमिली को उठा के ले जाऊंगा, समझा? प्लीज थोड़ा टाइम दो, मैं सब वापस कर दूंगा। हाँ जब जुआ खेलने की इतनी खुजली है तो पैसा लेकर क्यों नहीं आता? अब उधार लेकर तो चुकाना पड़ेगा ना। चला चल चल। ड्रामा बंद करो। पुलिस वाले पे गोली चलाता है, मासूम लोगों को जुए में फंसाता है, उनकी फैमिली वालों को धमकी देता है। जान। सर, 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 सर आप ठीक तो है ना सर? रेडी, आज तो भगवान ने बचा लिया। मैनेजर साहब कल शर्मन ऑफिस आए थे क्या? जी सर, कल शर्मन सर मीटिंग के लिए ऑफिस में आए थे। ऑफिस में मीटिंग थी? क्या हुआ था मीटिंग में? मीटिंग में क्या हुआ था? जी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। मीटिंग कैंसिल हो गई थी? जी। कोई कारण मीटिंग कैंसिल होने का? जी वो बाहर से कुछ मार्केटिंग वाले आने वाले थे, वो नहीं आए इसीलिए। क्यों नहीं आए? क्या मालूम सर। मालूम कैसे थे? तुम यहाँ इस ऑफिस में काम करते हो, तुम्हें मालूम नहीं? हाँ? ये मीटिंग कैंसिल किसने की? जी, मैंने। ओह, तो आप है वो? जी। शर्मन यहाँ से सीधा स्विमिंग पूल में गया और वहां उसकी मौत हो गई है ना? जी, शर्मन साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने कहा आपने मीटिंग कैंसिल की इसलिए शर्मन जी यहाँ से स्विमिंग पूल में गए, आपने जानबूझ के मीटिंग कैंसिल की ताकि वो यहाँ से बाहर जाए और स्विमिंग पूल में जाके मर जाए, है ना? जी शर्मन साहब हमारे बॉस थे। और बॉस को धक्का दे दिया पानी में। और किस किस को मालूम था कि शर्मन स्विमिंग पूल जाने वाले? हमने कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? क्यों? शर्मन यहाँ से स्विमिंग पूल कैसे गया था, खुद गाड़ी चला के या? जी उनके साथ उनका ड्राइवर था। ड्राइवर?
मतलब ड्राइवर को मालूम था कि शर्मन स्विमिंग करने जाने वाला था, हा? नाम क्या है इस ड्राइवर का? सुनील। सुनील, सुनील। सर, इस बार दरवाजा मैं तोड़ूंगा। ठीक है, तोड़ो। आइए। क्या हुआ? कुछ मदद चाहिए क्या तुमको? मदद की कोई जरूरत नहीं है सर। रेडी? सॉरी सर, मैं हृदय में गिर गया। किसी ने बीचों बीच हृदय रख दी। ये कमरे के बीचों बीच हृदय क्यों रखी है? रजाई गिरी है सर, किसी ने रजाई में। रेडी? ये रजाई नहीं है, लाश है। लाश? इसी बात का डर था मुझे। काफी गहरा घाव है, लगता है इसी से मौत हुई इसकी। ओ, तो ये बात है। ये देखो अभिजीत, आर्यन के कितने मैसेजेस आए इसके फोन पे विकी के एक्सीडेंट के बारे में। सुनील के मोबाइल पे आर्यन के मैसेज? तो आर्यन मिला हुआ था इसे? ये देखो, इस आर्यन के झूठे एक्सीडेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। मतलब सुनील ही है जिसने ये सब किया है। सर, लगता है आर्यन ने बहुत सारे पैसे दिए थे सुनील को। ओ, तो ये सब आर्यन की प्लानिंग है। विक्की के खून में वो श्रमण को फंसाना चाहता था ताकि श्रमण जेल चला जाए। मगर श्रमण का खून क्यों किया? ये तो आर्यन ही बताएगा। क्या बात है, क्या हुआ आर्यन को? आप लोग यही रुकिए, मैं देखता हूँ क्या हुआ। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, ये डॉक्टर भी तो शुरू से उल्टा सीधा जवाब दे रहा। वही तो मुझे कह रहा था, अगर वो बच गया तो उससे पूछ लो। लेकिन ये तो रिकवर कर रहा था, ये कैसे हो गया? ये इंजेक्शन ये किसने दिया? नर्स, नर्स। सर, उस नर्स ने ये इंजेक्शन दिया आर्यन को जिससे उसकी मौत हो गई। क्या? यस। आद्या भाग गई। भाग गई? एक मिनट, ये क्या लाल रंग का नाखून? ये हॉस्पिटल में नर्सेस कब से लगाने लगी लाल रंग का नाखून? नहीं नहीं दया, ये कोई नर्स वर्स नहीं है, लाल रंग का नाखून। ये तो हाँ, ओ मालूम है ना कहाँ मिलेगी ये लाल नाखून वाली। लोग अचानक यहाँ, फोन भी नहीं किया। आप लोगों के चेहरे इतने खिले पड़े हैं, लगता है कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं। हाँ, बहुत अच्छी खबर, हमें खूनी मिल गया है। मिल गया? मुझे पता था आप लोगों के हाथ से निकलकर वो कहीं नहीं जाएगा। बस
अब एक बार आप मुझे सौंप देना, मैं उसका हलवा बना दूंगी। नहीं, आपको हलवा नहीं, हलवी बनाना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, खूनी एक लड़की है। क्या लड़की? जी। पर कौन है? सामने खड़ी है। यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ आप ही हैं। क्या मैं? आपका मतलब है खूनी मैं हूँ? मैंने मारा अपने पति को, अपने आर्यन को? यस माया मैडम, आप ही ने मारा है अपने पति को। नहीं, ये झूठ है। भला मैं क्यों मारूंगी अपने आर्यन को? वो मेरे पति थे। अपने हाथ दिखाओ। क्यों क्यों दिखाओ हाथ? अपने हाथ दिखाओ। ये लो। नाखून कहाँ है? नाखून कहाँ गया? नाखून? वो नाखून वो मेरे पास है। ये रहा। ए लड़की, ये नाखून तेरे पास कहाँ से आया? तू मुझे फंसाना चाहती है? प्लीज। तू क्या समझती है? तो ये नाखून वाखून दिखाकर मुझे डराना चाहती है? हाँ, ये ले अपना प्रसाद। माया जी, अब सब सच सच बताइए, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? मैंने आर्यन से पैसों के लिए शादी की, लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि वो शर्मन को मारकर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है, और मैंने आर्यन को उसी के प्लान से खत्म कर डाला। फिर मुझे पता चला कि आप लोगों को सुनील का पता चल चुका है, इसलिए मैंने सुनील को भी मार डाला ताकि आप में से किसी को भी मेरे खिलाफ सबूत ना मिले और सारा बिजनेस मुझे मिल जाए। वाह, बहुत बढ़िया प्लान बनाया था माया मैडम। कभी नहीं, अरेस्ट करो इसे। चलो चलो। जल्दी चलो। गॉड, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो माया। वो शेखा विचार सर अचानक आ गई। भाग के जाएगी कहाँ? रिलैक्स रिलैक्स, दोनों एक साथ लड़ी हो, मगर शिखा तो श्रमण की गर्लफ्रेंड है, तो फिर वो माया को क्यों मदद कर रही है? हाँ सर, इसे माया को पकड़ने में हमारा साथ देना चाहिए था, ये तो माया को लेके भागे जा रही है। दो औरतें हमारी नाक के नीचे से भाग रही है, सीआईडी के लिए शर्म की बात है। ये दोनों बच के हमसे दूर भाग नहीं सकती, ये शिखा चुपचाप बैठी रहती तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो उस माया से मिली है। जल्दी माया जल्दी। हाँ बाबा, ले रही हूँ। जल्दी करो माया, माया जल्दी करो। आज तो फंस गए। ओ गॉड, कैसी मुसीबत आ पड़ी है। शिखा जी, ये क्या चक्कर है? आप तो शर्मन के साथ शादी करने वाली थी, तो फिर ये शादी को बर्बादी में क्यों बदल रही हैं? इस माया की माया जाल में क्यों फंस रही हैं? कौन माया? कैसी माया? ओहो कावेरी, लगता है शिखा जी को अचानक भूलने की बीमारी है। तुम्हारे पास अगर कोई मेडिसिन हो तो। कौन सी दवाई दूं सर? देखो, मैं केस कर दूंगी।
हार के तारीफ प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो इसने अरे कुमार की सारी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मुझे पता चल गया कि क्या कर रही है। इसने मुझे भी अपने साथ मिला लिया और हमने मिलके शर्मन को मरवा दिया ताकि प्रॉपर्टी में से मुझे कुछ मिले। वैसे भी शर्मन किसी गांव का नहीं था। वाह वाह, देखा पैसा क्या करवा सकता है इंसान से। तुम तो भूल गई कि बेचारा शर्मन कल तो तुम्हारा पति होने वाला, मरवा दिया उसे। किस लिए? पैसों के लिए। अब तुम दोनों को फांसी होगी। बिनी बाहर खड़ी है, मैं उसके पास जा रही हूं। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा, सब लोग जा रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। बहुत एहसान है आपके हम पर। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। अभिजीत, श्रुति बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे दोस्त। क्या यार, तू भी है? किस बात का एहसान है? किस बात का थैंक यू? फिर मिलेंगे, चलें। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तुमने आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया। तुमने श्रुति से कहा नहीं, ये बहुत अच्छा किया, नहीं तो मालूम नहीं क्या हो जाता। तुम ठीक तो हो ना अभिजीत? ठीक हूँ यार, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। अरे यार, तुम्हारे लिए कुछ भी। चलो मैं। ओके, बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.